चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पुरजोर कोशिश में लगी है। पार्टियों की ओर से एक के बाद एक लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र से एक खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि बॉलीवुड एक्टर गोविंदा भी इस बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं और वह एकनाथ शिंदे की शिवसेना से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा शिवसेना शिंदे गुट के संपर्क में है। शिवसेना गोविंदा को महाराष्ट्र की अहम लोकसभा सीट मुंबई उत्तर पश्चिम से अपना उम्मीदवार बना सकती है। खबरें तो ये भी हैं कि 5 दिन पहले बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात भी हुई थी। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अभिनेता गोविंदा 2004 में कांग्रेस की टिकट पर उत्तर मुंबई से सांसद रह चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर शिंदे गुट गोविंदा को टिकट क्यों देना चाहते हैं? तो आपको बता दें कि खबरें आई हैं कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिंदे गुट इस बार मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर को टिकट देने से परहेज कर रही है। इसी कारण अभिनेता गोविंदा का नाम चर्चाओं में है। खैर, इस बार चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया है कि महाराष्ट्र में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में इलेक्शन होगा। इसमें पहले चरण में 19 अप्रैल को 5 सीट पर, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 8 सीटों पर, तीसरे चरण में 7 मई को 11 सीटों पर, चौथे चरण में 13 मई को 11 सीटों पर और पांचवें चरण में 20 मई को 13 सीटों पर चुनाव होगा। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।